हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हैं आप सभी। मैं बॉबी सर आप सभी दोस्तों का वेलकम करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में एस पी बॉबी सर पर। जैसा कि सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के अंदर 60,244 पदों पर भारी पर वैकेंसी आ चुकी है। पूरे 2024 साल के अंदर 80,000 पुलिस के पदों पर भर्ती होनी है, जो अलग अलग पदों पर है, मतलब जैसे कि कांस्टेबल हो गया, एसआई हो गया, एसआई हो गया, जेल वार्डर हो गया, फायरमैन हो गया, खेल कोटा हो गया, रेडियो ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, इस तरह करके बहुत सारी लंबी भर्तियां चल रही हैं। और अगर हम यूपी के इतिहास में देखेंगे तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी भर्ती आज तक नहीं हुई है। वैकेंसी तो यूपी पुलिस में हमेशा लंबी आती है, 30 से 40 हजार भर्ती आती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के इतिहास में, मुझे लगता है पुलिस के इतिहास में, आज पहली बार ऐसा हो रहा है इस साल कि 60,244 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती हो रही है, जिसके एग्जाम डेट के लेकर के लगातार जद्दोजहद चल रही है कि एग्जाम डेट क्या होगा, कैसे होगा। 11 फरवरी को इसका एग्जाम होना था, लेकिन 11 फरवरी को आरओ एआरओ का पेपर होने की वजह से स्थगित करते करके बाद 18 फरवरी करेगी थी। और अभी उसके लेकर कुछ न्यूज़ आपके सामने, वो ये है क्या कि लगभग अप्रोक्स हमने पहले ही बोला था कि 5 साल बाद भर्ती आ रही है। यूपी पुलिस में बहुत सारे युवा तैयारी कर रहे थे और मतलब वेट कर रहे थे भर्ती का, बिल्कुल एकदम कमर कस के बैठे थे तैयारी के लिए। और बहुत सारे बच्चे नए 18 साल के होने के बाद इस भर्ती को देखेंगे, 3 साल की आयु में छूट मिलने के बाद बहुत सारे विद्यार्थी और बढ़े होंगे, तो कुल मिलाकर 30 से 35 लाख बच्चों के आने की उम्मीद थी। हमने भी आपको बताया था, तो बोला गया है क्या कि 31 लाख, क्या यहाँ भी यही अनुमान लगाया गया अखबार में भी, ये लखनऊ से प्रकाशित प्रेस की न्यूज है, क्या लखनऊ प्रेस की न्यूज है ये क्या कि 31 लाख अभ्यर्थी 6,484 परीक्षा केंद्र बनेंगे और 836 सबसे ज्यादा परीक्षा के लखनऊ जोन में, यानी कि टोटल 6,484, याद रखना टोटल 6,400 परीक्षा केंद्र बनेंगे, 484 यानी लगभग 31 लाख बच्चों के बैठने की उम्मीद है। और टोटल 6,484 एग्जाम सेंटर बनाए जाएंगे, और चूंकि एक ही दिन में पेपर कराना है, ठीक है, सबसे ज्यादा पेपर लखनऊ में होगा, 836 सेंटर होंगे, प्रयागराज में बनेंगे 488 सेंटर बनेंगे, लगभग लगभग मान लीजिए 1300 से 1400 के आसपास सेंटर तो केवल कहां पर हो गए, लखनऊ प्रयागराज में। अब बोला क्या गया, पढ़ते आइए जरा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा पुलिस में 60,244 पदों के लिए 18 फरवरी को, देखो 18 फरवरी को एग्जाम प्रस्तावित है, इसकी लिखित परीक्षा की तैयारी तेज कर दी। परीक्षा में लगभग 31 लाख विद्यार्थी शामिल होने की संभावना है। प्रदेश में इतने परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर भर्ती बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों के साथ उनकी क्षमता को निर्धारित करके प्रक्रिया शुरू कर दी है, यानी जिस स्कूल में जितने बच्चे आ सकते हैं उस हिसाब से सेंटर बनाए हैं कि किस जिले में कितने सेंटर बनने चाहिए, वो स्कूलों के हिसाब से बनाए गए। अब यहाँ पर बोला गया कि जिनकी कुल क्षमता 31.75 लाख से अधिक है इस जोन में, इसमें बोला गया क्या जोन की बात करें तो सर्वाधिक 800 परीक्षा केंद्र बनेंगे, लखनऊ जोन बनेंगे, जबकि कुल जिनकी कुल क्षमता 4 लाख विद्यार्थियों की है, बरेली में 741 बनेंगे, वाराणसी में 647 बनेंगे, आगरा में भी आपका एग्जाम होगा 540 स्कूलों में, आगरा के अंदर 540 सेंटरों पर एग्जाम होगा, ऐसे करके सारे सेंटर यहाँ पर दे रखे हैं। आगरा में 261, आगरा दो बार कैसे दे रखा है भाई, कानपुर में 271, आगरा में 261, लखनऊ में 148 केंद्र, अच्छा केंद्र बनेंगे, ये जोन दे रखे हैं, ये केंद्र बनाए जाएंगे, ठीक है। और नकल रोकने के लिए गवर्नमेंट का अच्छा प्रावधान है, नकल रोकने के बारे में भी यहाँ पर बोला गया कि सीसीटीवी की निगरानी में होगी सिपाही भर्ती परीक्षा। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करिए कहा कि दागी स्कूलों को ना बनाए परीक्षा, यानी कि जिन स्कूलों पर जिन एग्जाम सेंटर पर पहले कभी दाग लग चुका है या कोई FIR दायर हुई है, उनको नाम बदनाम है कि यहाँ पर नकल होती है या धोखाधड़ी होती है बच्चों के साथ, तो उनको परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा, साफ बोला गया है, ठीक है। 60,000 से अधिक पदों पर सिपाही की भर्ती होनी है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने बोला है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कई मतलब बहुत लंबे समय की भर्ती हो रही है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ मुख्य सचिव ने बुधवार को मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस में मीटिंग करी है, और मीटिंग में बोला गया कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी भाग लेंगे। तो देखो क्या बोला गया, सभी परीक्षा केंद्रों पर, हॉल पर, मेन गेट पर, अन्य महत्वपूर्ण स्थानों सीसीटीवी कैमरे युक्त होने चाहिए, और पूरी तरीके से एक टीम गठित करके चीजों को जो है एनालिसिस करना चाहिए। तो ये आपका 18 फरवरी का एग्जाम है, एग्जाम डेट आ चुकी है। और इसके अलावा मेरे साथियों एग्जाम देखो सेंटर भी, मेरे को लगता है एग्जाम सेंटर की डिटेल भी हमारे पास है। अगर मैं आपको एग्जाम सेंटर की डिटेल देता हूँ तो एग्जाम सेंटर की डिटेल भी हमारे पास मौजूद है। देखिए हम आपको बता देते हैं एग्जाम सेंटर की डिटेल, चलिए देखिए ये रही हमारे पास एग्जाम सेंटर की डिटेल, यहाँ पे ये रही देखिए जरा फटाफट, ये हमारे पास एग्जाम सेंटर की डिटेल है पूरी। 18 फरवरी को सिपाही भर्ती का एग्जाम होगा, इतने पदों पर भर्ती होगी, ये परीक्षा केंद्र होंगे, इतने बच्चे शामिल होंगे, लखनऊ में इतने इतने सीसीटीवी कैमरे में, मतलब पूरा डाटा दिया गया, शॉर्ट फॉर्म हमने लिख के दिया है, ठीक है। अब बात है तैयारी की, तो भाई मैं फिर कह रहा हूँ 90, मैं हमने पहले ही बोला था पिछले 2-3-4 साल से, तो मैं पढ़ा रहा हूँ लास्ट के 4 सालों से यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए यूट्यूब पर मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ,
इस दरमियान बहुत सारे बच्चों ने, लाखों बच्चों ने हमें यूट्यूब पर देखा, हजारों बच्चों ने हमें देखा और अपना प्यार दिया, जिसके अंदर लगभग लगभग हमारे, अगर हम पुलिस ही पुलिस की बात करते मेरे भाई, तो पुलिस क्राइटेरिया के अंदर लगभग लगभग 500 से अधिक विद्यार्थी ऐसे हैं जो सेलेक्टेड है हमारी यूट्यूब की क्लास से। मेरे प्यारे साथियों, इतने लंबे समय से, पिछले 4-5 साल से मैं यूट्यूब पर मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ, जिसके दरमियान मैंने मतलब अभी तक जो है पुलिस के महकमे की क्लासे ज्यादा चलाई, चाहे वो SI हो या वो कॉन्स्टेबल हो या SSGD हो, कोई भी हो, जेल वार्डर हो, फायरमैन हो, बहुत सारी क्लास चलाई है। इस दरमियान हमारी यूट्यूब की क्लासे पढ़ के अब तक लगभग 500 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। इनमें से लगभग लगभग 70% बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी किसी का पेड कोर्स ही नहीं किया, जो केवल यूट्यूब से पढ़ के सिलेक्शन ले रहे हैं। और मैं जानता हूँ, अगर यूट्यूब पर पूरी ईमानदारी से टीचर पढ़ाए और यूट्यूब पर पूरी जान लगा के अगर बच्चा पढ़े, तो बिना पैसे खर्च किए, बिना कोर्स लिए, बिना मतलब ज्यादा परेशानी झेले, अपनी जिंदगी में केवल कुछ मेहनत कर, कुछ दिन की मेहनत करके सफलता प्राप्त की जा सकती है। और बच्चों ने करी भी है। 70% ऐसे बच्चे जिन्होंने कभी किसी की कोचिंग नहीं ली है, कभी पेड कोर्स नहीं लिया, यूट्यूब से पढ़ के अपने टीचर को फॉलो किया, अलग सब्जेक्ट के लिए एग्जाम निकाला। सो 500 से अधिक विद्यार्थी हमारी क्लास से निकले हुए हैं जो सेलेक्टेड है। तो मेरे प्यारे साथियों, और हमेशा मैं आपसे बोल रहा था कि लंबे समय से तैयार एग्जाम को लेकर के, वैकेंसी को लेकर के चल रही थी बात कि वैकेंसी आएगी आएगी, पढ़ लीजिए। तो जिनकी बेटा मैं कह रहा हूँ 90% बच्चे वो सेलेक्ट होंगे जिनकी तैयारी पहले से, मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ। हो सकता है कुछ बच्चों को डिमोटिवेट हो गए इस बात से, लेकिन सत्यता कभी हारती नहीं है। सच्चाई एक दिन जीत जाती है, लेट जीतती है लेकिन जीत जाती है। जो विद्यार्थी 4 साल से घिस रहा है, सीधी सीधी बात है, जो आदमी, जो विद्यार्थी यूपी पुलिस में, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है पिछले 4 साल से और किताबों में घिस रहा है अपना जीवन, जाहिर सी बात है उसने ज्यादा चीजें पढ़ रखी है। तो भाई अब आपको क्या करना है, आपके पास लगभग लगभग वो अभी अभी तो भाई 30-40 दिन बकाया है। इन 30-40 दिनों में जो आप कर सकते हैं करिए। 30-40 दिनों में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, अगर 40 दिनों में आपको सिलेक्शन चाहिए, तो फिर कह रहा हूँ चक्कर मत पड़िए किसी के में भी। आप बस एक बार क्या कर लीजिए, टॉपिक वाइज सिलेबस कर लीजिए, क्या पूरा एग्जाम पैटर्न देख लीजिए, टॉपिक वाइज क्या कर लीजिए, सिलेबस कर लीजिए, ठीक है। फिर क्या कर लीजिए, फिर क्या कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस के बाद क्या कर लीजिए, मॉक लगा लीजिए। ये 3 काम आप कर लीजिए, साथ साथ करने हैं। अप्रोक्स आपको 8 घंटे पर डे पढ़ना है, क्या 8 घंटे पर डे पढ़ लीजिए। मैं बता रहा हूँ जिन विद्यार्थियों की तैयारी 3-4 साल से चल रही है, उनको तो कम से कम 8 घंटे पढ़ना है। पूछिए क्यों, अगर 3-4 साल से अपने आप को आप टाइम दे रहे हैं और अब अगर एंड टाइम पर आकर के आप क्या कर जाओगे, जल्दबाजी कर जाओगे, तो आपके 4 साल की मेहनत खराब हो जाएगी। तो 8 घंटे तय करिए, पर डे पढ़ना है, 3 पैटर्न फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज पूरा पूरा सिलेबस कवर करिए एक शॉर्ट फॉर्मेट में, चीजों की प्रैक्टिस करिए लगातार और डेली मॉक लगाइए, ठीक है, डेली मॉक लगाइए। कोशिश करिए कोई बुक परचेस मत करना, अभी कोई बुक परचेस मत करना, बुक का टाइम अभी हमारे पास नहीं है, ठीक है। अभी नोट्स वगैरह से काम चलाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्या प्रॉपर नोट्स बनाइए, इन्हीं का क्या करिए, रिवीजन करिए। ज्यादा कोर्सेस के चक्कर में ना पड़िएगा कि यहाँ से भी कोर्स ले ले, वहां से भी कोर्स ले ले, पढ़ पाओगे नहीं और चीजें मैनेज हो नहीं पाएंगी, ठीक है। अभी मैं अपनी बात करता हूँ तो यूपी पुलिस के लिए, क्या यूपी कॉन्स्टेबल के लिए, यूपी कॉन्स्टेबल के लिए हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री क्लास में चला रहा हूँ, क्या बिल्कुल फ्री क्लास में चला रहा हूँ। और ऐसी क्लास यानी पूरे यूट्यूब पर फ्री तो बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे चैनलों पर फ्री क्लास चल रही है, लेकिन पूरा का पूरा कंटेंट फ्री हो जाए जिससे कि पढ़ के बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, वो अभी तक नहीं चल रहा यूट्यूब पर। तो मेरे भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए फ्री क्लास चल रही है, किसकी, मैथ की, ठीक है ना, जिसमें जिसमें पूरे टॉपिक है, जिसमें पूरे टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, पूरे टॉपिक पढ़ा रहा हूँ एकदम बढ़िया से, बहुत बढ़िया शानदार तरीके से। फिर कह रहा हूँ यूट्यूब पर फ्री क्लासेस बहुत चल रही है, लेकिन पूरा का पूरा कंटेंट फ्री पॉसिबल ही नहीं है कराना, क्योंकि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े चैनल हैं, उन्हें अपने टीचरों को सैलरी देनी होती है, तो चीजें करनी होती है भाई, उनको भी कोर्सेज निकालनी होती है। तो भाई साहब अभी मेरे को तो किसी को सैलरी देनी नहीं है, हमारा अपना चैनल है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। डेली शाम को 7 बजे, कितने बजे भाई मेरी, डेली शाम को 7 बजे हमारी क्या हो रही है, लाइव क्लास हो रही है, क्या हो रही है, डेली शाम को 7 बजे हमारे इसी चैनल पर, दोबारा सुन लो, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए डेली रोज शाम को 7 बजे हमारी लाइव क्लास हो रही है, जिसके अंदर मैं पूरे के पूरे मैथ का सिलेबस फ्री पढ़ा रहा हूँ टॉपिक वाइज। यूपी कांस्टेबल का मैथ का पूरा सिलेबस मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ। और मेरे प्यारे साथियों, मैं दावा कर रहा हूँ, ये बात शायद यूट्यूब पर कोई ना कहे कि बहुत बड़ी बात है कहना, कोई नहीं कहेगा, ऐसे कह देंगे तो उनका कोर्स कैसे निकलेगा फिर भाई, मजबूरी है उनकी भी। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि YouTube की क्लास से पढ़ के सिलेक्शन होगा, मेरी गारंटी है। YouTube पर फ्री क्लास बहुत जगह चल रही है, टॉपिक वाइज बहुत जगह चल रही है, आप कहीं भी किसी भी मिलियन जगह, मिलियन सब्सक्राइबर वाले, लाखों सब्सक्राइबर बड़े चैनल पर जाके पढ़िए, जिसमें हजारों बच्चे लाइव आते हैं, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 हजार बच्चे लाइव आते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमारे चैनल पर जो क्लास पढ़ी हुई है, आप जैसे मैंने अभी जो 4-5 टॉपिक पढ़ा दिए,
आप एक टॉपिक की क्लास वहां पे देखना, मानी आप परसेंटेज की क्लास वहां पे देखना, परसेंटेज यहाँ पे देखना। वहां कराए गए 20 सवाल और हमने कराए 70 सवाल। हमारी क्लास हुई है 2.25 घंटे की, वहां क्लास हुई है 1 घंटे की। तो आप देख सकते हैं ज्यादा कहाँ पर पढ़ाई हो रही है। तो फर्क आप खुद देखिए और मेहनत करिए। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का मैथ का पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज बिल्कुल फ्री पढ़ा रहा हूँ हमारे चैनल पर डेली शाम को 7 बजे। और आइए, ठोक के सीना चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि यूट्यूब की हमारी क्लास से पढ़ के आपका मैथ निकलेगा निकलेगा निकलेगा, मेरी गारंटी है। और डेली सुबह 10 बजे मॉक टेस्ट करा रहा हूँ। क्या डेली सुबह 10 बजे क्या करवा रहा हूँ मैं? मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ, लाइव मॉक टेस्ट। क्या डेली सुबह 10 बजे लाइव मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ, जिसमें आकर के अपनी तैयारी को परख सकते हैं कि अगर ऐसा पेपर आ गया, मॉक टेस्ट जैसा पेपर आ गया सर बता रहे, तो हम एग्जाम में कितने सवाल कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मेरी तरफ से मेहनत का एक आखिरी नजारा, जो इस छोटे से चैनल पर, मतलब शायद ही इंडिया में कोई ऐसा पर्सन, ऐसा कोई टीचर होगा जिसने अपना नया चैनल बनाया है और इतने छोटे से चैनल पर इतनी मेहनत कर रहा है कि डेली रोज शाम को 7 बजे टॉपिक वाइज पूरा मैथ फ्री, सुबह 10 बजे लाइव मॉक टेस्ट, जिसमें आप अपनी तैयारी को पढ़कर अपने मार्क्स जानेंगे। और आज है 6 जनवरी, ध्यान रखना आज है 6 जनवरी शनिवार है, शाम को 7 बजे से लगातार, आज 6 जनवरी शनिवार को शाम को 7 बजे से लगातार मैं कराने वाला हूँ यूपी कांस्टेबल के लिए मैथ की 6 घंटे की महामैराथन। सुन लो, देख लो भाई, ठीक है। आज सैटरडे को, शनिवार को शाम को 7 बजे से 6 घंटे की लगातार महामैराथन मैं कराऊंगा यूपी कांस्टेबल के लिए मैथ की, जिसमें क्या कराऊंगा, पिछले 15 साल में जितने भी पेपर हुए यूपी पुलिस कांस्टेबल में, पिछले 15 साल में जितने भी पेपर आज तक हुए हैं, सभी कंप्लीट पेपर का क्या होगा, रिवीजन करा दूंगा। दोबारा सुन लो, पिछले 15 साल में यूपी कांस्टेबल के जितने भी क्वेश्चन पूछे एग्जाम हुए, सभी प्रीवियस क्वेश्चन की मैराथन होगी 6 घंटे तक लगातार, आज शाम को 7 बजे से आपको आना है। क्योंकि जब तक आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं पढ़, प्रीवियस ईयर में से 5 से 6 क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, याद रखना रिपीट होते हैं 5 से 6 प्रश्न प्रीवियस ईयर के आधार पर, तो आपको आना है और ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैथ की फ्री क्लास टॉपिक वाइज शाम को 7 बजे, लाइव मॉक टेस्ट सुबह 10 बजे, और ये मैराथन है आज शाम को 7 बजे आना है। मैं नहीं कहता कि आप किसी का, मतलब मैं किसी बुराई नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मतलब मैं फुल मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, और एक बात हमारे बारे में आप जान लीजिए, आप जब आप ये सर्च करोगे ना यूट्यूब पर यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ, तो पूरे यूट्यूब पर सबसे ज्यादा क्लास आपको मेरी मिलेंगी। पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, इन 5 सालों में मैंने अलग अलग चैनल पर जाके पढ़ाया है, लेकिन पढ़ाया कांस्टेबल के बच्चों को है। यूट्यूब पर सबसे ज्यादा क्लासेस कराने का रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा क्लासेस मैंने पढ़ाई है यूट्यूब पर कंसिस्टेंटली एज ए टीचर। तो यूपी पुलिस के बच्चों को बहुत अच्छा खासा अनुभव है और बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हमारी यूट्यूब की क्लास से हुए हैं। तो मेहनत करिए, भरोसा करिए, जुड़िए, बाकी काम हमारे पर छोड़ दीजिए। ठीक है, ये मतलब चैनल केवल फ्री पढ़ाने के लिए बनाया है, तो जाहिर सी बात है मेहनत तो मैं करूंगा ही करूंगा। पेड कोर्स मेरे पास है नहीं, पैसा आ नहीं रहा, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये चैनल केवल फ्री पढ़ाने के लिए बनाया है, केवल आपके प्यार के लिए। जब इतने सालों से मैं यूट्यूब पर अलग अलग जगह पर नौकरी करके पढ़ा रहा हूँ, तो क्यों ना अपने चैनल पर मेहनत करके पढ़ाऊँ, हो सकता है बच्चों का साथ मिले। तो बस साथ में पैसे नहीं चाहिए, आपका प्यार चाहिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, क्लासेस लीजिए और अपनी तैयारी को मिट लीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय जवाहर। उम्मीद करता हूँ कि ये साल आपकी वर्दी का साल होगा और मुलाकात इस बार वर्दी में होगी। थैंक यू दोस्तों।